गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले हर पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रविवार को प्रचार के दौरान लिखित तौर पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने लिखित तौर पर कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार 27 साल के अंदर बीजेपी इतना बौखलाई है। पहली बार मैंने सुना कि वोटर बताने से डरता है कि वो किसे वोट दे रहा है। बीजेपी के वोटर्स आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। आज मैं लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कई लोग कहते हैं कि राजनीति के अंदर मेरी भविष्यवाणी सही निकलती है। 2014 में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तो मैंने एक पत्रकार को लिख के दिया था कि कांग्रेस की इस बार 0 सीट आएंगी। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की 0 सीट आई थी। पंजाब के चुनाव में मैंने कई सारी भविष्यवाणियां की थी। मैंने कहा था नवजोत सिंह सिद्धू हारेंगे, चन्नी साहब दोनों सीटों से हारेंगे, बादल साहब का पूरा परिवार हारेगा। तो आज मैं आप सबके सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी।